हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड सेकेंड आता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है इसमें फोर ऑर्गन इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट है इसमें वजाइना, सेकेंड है यूट्रस, थर्ड है फेलोपियन ट्यूब एंड फोर्थ है ओवरी। तो आज हम पढ़ेंगे वजाइना के बारे में। वजाइना के बारे में जो पार्ट है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का। जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है ये किसमें आएगा? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आता है। तो देखिए, सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं इनको हम एक्सटर्नल विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। इनको विजुअलाइज करने के लिए किसी विशेष इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। और जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ये फीमेल की जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें स्थित होते हैं। अगर हम वजाइना की बात करें तो वजाइना जो होती है ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्स होती है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्स होती है जिसका मेन काम होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन होता है, मतलब जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स का जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है वजाइना। इसके बाद अगर हम वजाइना की लेंथ देखें तो अगर हम इसको एंटीरियर वॉल की तरफ से देखें, एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना, तो जो इसकी लेंथ 3 इंच, अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो 7.5 सेंटीमीटर होती है। यहीं पे अगर हम पोस्टीरियर वॉल देखें, पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना, तो ये 3.5 इंच होती है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो जो वजाइना होती है ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है और ये फीमेल के इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करती है। जो इसकी एंटीरियर वॉल की लेंथ होती है वो 3 इंच होती है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये 7.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 3.5 इंच होती है और सेंटीमीटर में देखें तो ये 9 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम वजाइना के पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो 3.8 to 4.5 होता है। इसी की वजह से जो वजाइना का एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? जब कोई फीमेल प्यूबर्टी गेन करती है तो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस समय जो फीमेल होती है उसके वजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है ये क्या सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करता है लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसकी वजह से ही जो वजाइना का एनवायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, क्योंकि इसका पीएच 3.8 to 4.5 रहता है। और इसका सबसे अच्छा रोल ये होता है, सबसे की इसका फंक्शन ये रहता है कि जब पीएच 3.8 to 4.5 रहेगा, मतलब एनवायरमेंट एसिडिक रहेगा, तो इसकी वजह से कोई भी पैथोजेंस उस एरिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड होता है इसकी वजह से वजाइना का जो एनवायरमेंट होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है और वहां पे कोई भी पैथोजेंस ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना, तो जो वजाइना होती है ये 3 लेयर्स मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इसमें होती है एक्सटर्नल लेयर, सेकेंड है मिडिल लेयर एंड थर्ड है इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर, तो जो एक्सटर्नल लेयर होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है एरियोलर टिश्यू से। किससे बनी होती है? एरियोलर टिश्यू से। और जो मिडिल लेयर होती है ये बनी होती है स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से। और जो इंटरनल लेयर होती है ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से।
तो ये जो थ्री लेयर्स हैं ये किसकी हैं? वजाइना की हैं। और ये किससे बनी होती है, मैंने आपको बताया। अब अगर हम ये बात करें कि इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो वजाइना को जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वजाइना को आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ये मिलती है जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, इलियक आर्टरी। इसकी दो ब्रांच होती हैं, एक होती है यूट्राइन आर्टरी और सेकेंड होती है वजाइनल आर्टरी। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी है इसके जो दो ब्रांच हैं, एक है यूट्राइन आर्टरी और सेकेंड है वजाइनल आर्टरी। ये दोनों मिलके निर्माण करती हैं प्लेक्सस का। किसका? प्लेक्सस का। और इसी प्लेक्सस के थ्रू जो वजाइना होती है उसको आर्टेरियल ब्लड सप्लाई मिलती है। तो जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो किसके थ्रू मिली? प्लेक्सस के थ्रू मिली। और जो प्लेक्सस का निर्माण हो रहा है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की जो दो ब्रांच है यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी, इनके थ्रू हो रहा है और यही कर रहा है कि वजाइना को ब्लड सप्लाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें कि वजाइना का जो वेनस ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, तो जो प्लेक्सस होते हैं इन्हीं प्लेक्सस के थ्रू जो वेनस ब्लड होता है वो इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो कैसे मिलती है वजाइना को, और जो वेनस ड्रेनेज होता है ये कैसे होता है वजाइना का। तो दोनों में मेन जो की रोल प्ले करता है वो प्लेक्सस होता है। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन ऑफ वजाइना देखें, फंक्शन ऑफ वजाइना, तो वजाइना के थ्री मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो मेंसेस के दौरान जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको वजाइना एक वे प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो ब्लड होता है वो फ्लो के साथ बाहर आता है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जब कोई भी मेल और फीमेल क्वार्टर्स करते हैं तो क्वार्टर्स के दौरान जो पेनिस होता है उसको वजाइना एक वे प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही जो स्पर्म होते हैं उनको भी वजाइना एक वे देती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो यूट्रस तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन का वर्क होता है। थर्ड इसमें क्या फंक्शन आता है? थर्ड इसका फंक्शन है कि जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी बर्थ, तो उस दौरान बेबी को बाहर आने के लिए, उसकी डिलीवरी होने के लिए भी जो वजाइना होती है वो एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिससे बच्चा बाहर आ सके। तो ये थ्री मेन फंक्शन है किसके? वजाइना के। वजाइना में एक और तीन पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फोर्निसिस। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल होता है क्योंकि जब सर्विस और वजाइना मिलते हैं, उनका कनेक्शन होता है, उस पार्ट पे एक हॉलो स्ट्रक्चर बनता है और उसी को हम बोलते हैं फोर्निसिस। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, नॉर्मली वजाइना के टिप वाले पार्ट पे पाया जाता है यहाँ पे, जो टी शेप का होता है और थोड़ा उभरा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं फोर्निस। अगर हम इसके काउंटिंग में बात करें तो ये टोटल फोर होता है। एक होता है एंटीरियर, सेकेंड होता है पोस्टीरियर और लेटरल में दो होते हैं, मतलब एंटीरियर साइड एक होता है, पोस्टीरियर साइड एक होता है और लेटरल साइड दो होते हैं, मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इन चारों में क्या होता है कि जो पोस्टीरियर फोर्निस होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकली तौर पे। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है जो पाउच ऑफ डकलस होता है उसके पास, इसीलिए इसका मेन रोल होता है। फोर्निसिस का बस यही है कि ये एक पार्ट है कहाँ का, जहाँ पे वजाइना और सर्विक्स मिलते हैं उस स्थान पे ही इसका निर्माण होता है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, आज हमने देखा कि जो फीमेल का इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होता है उसमें जो वजाइना होती है वो किससे मिलके बनी होती है और उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका पीएच कितना होता है और मेन की उसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।